लिखने के लिए हाँ भाई बायनोमियल थ्योरम फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन 14 बचा है, बाकी तो हमने कर लिया है। और क्वेश्चन नंबर 14 देखो इसका, ये कह रहा है कि समेशन ऑफ वी आर एन सी आर और आर इज इक्वल टू 0 to n इक्वल टू 4 to the power n ऐसा आपको प्रूव करना है। तो देखो क्या करेंगे, मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके आता हूं, ठीक है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड अगर लेके आऊं तो देखो क्या हो जाएगा, 4 की पावर n को अगर मुझे बाइनोमियल बनाना है तो मैं इसको 1 प्लस 3 की पावर n लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, लिख सकते हैं। अब इसको कंपेयर करो आप अगेन x प्लस a की पावर n से, तो बताओ x कितना, 1 a 3 n n तो r 0 1 2 3 अप टू n पॉसिबल वैल्यू ऑफ r यही होगी। अब वैल्यू अच्छा फार्मूला क्या पढ़ा था हमने, फार्मूला पढ़ा था हमने n c r x की पावर n माइनस r a की पावर r, ये फार्मूला पढ़ा था, पुट करो। देखो n n ही है, r की जगह पहले 0 पुट किया, x की जगह 1 पुट किया और a की जगह 3 पुट किया, कोई दिक्कत, सारी पुट कर दी वैल्यू। अब नेक्स्ट टर्म में r की जगह क्या पुट करेंगे, 0 के बाद जहां r 0 लिखा है वहां पे अब 1 पुट करेंगे, बात समझ में आ रही है। फिर नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, n c 2 1 की पावर n माइनस 2 3 की पावर 2, ऐसे ये चलते रहेंगे और लास्ट टर्म होगी n c n 1 की पावर n माइनस n 3 की पावर n, कोई दिक्कत। अच्छा एक बात बताओ, 1 की पावर कुछ भी हो कितना होता है, 1 की पावर कुछ भी हो, 0 हो 1 हो 2 हो कोई भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो 1 आता है, तो ये जो बीच में 1 आ रहा है क्या मैं 1 को यहां से हटा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, 1 अगर मल्टीप्लाई हो रहा है बीच में तो मैं 1 नहीं लिखूं तो क्या फर्क पड़ेगा, 1 का मल्टीप्लाई करो नहीं करो क्या फर्क पड़ता है, वही रिजल्ट रहता है जो है, तो मैं 1 को हटा रहा हूं यहां से, तो ये nc0 3 की पावर 0, nc1 3 की पावर 1, nc2 3 की पावर 2, ऐसे फाइनली ncn 3 की पावर n, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन सभी टर्म्स को अगर मैं एक सिंगल टर्म में लिखूं, जनरल टर्म में लिखूं, तो देखो हर टर्म में n आ रहा है, आ रहा है, हर टर्म में c है, लेकिन c के नीचे जो मैं लिख रहा हूं वो बदल रहा है 0 1 2 और लास्ट में n, और ये जो बदल रहा है 0 1 2 n ये किसकी वैल्यू है, r की, तो मैं यहां पे r लिख दूं। फिर हर टर्म में 3 आ रहा है और 3 की जो पावर है 0 1 2 n जो बदल रहा है वो क्या है, अगेन r, कोई दिक्कत। और मैंने यहां पे एक साइन लगाया है ये समेशन का और यहां पे लिख रहा हूं r बराबर 0 टू n, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि r की जगह 0 रखोगे तो क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म, 1 रखोगे तो सेकंड टर्म, 2 रखोगे तो थर्ड टर्म, n रखोगे तो लास्ट टर्म, और इस साइन का मतलब क्या है, उन सभी का क्या हो रहा था, सम हो रहा था, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत। तो क्या ये जो टर्म है वो इस रिजल्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, इसको वापस खोलेंगे तो ये सारी टर्म्स मिलेंगी, तो इसको वापस पैक करके ऐसा हम लिख सकते हैं, तो हमने राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया और हमें क्या मिला, लेफ्ट हैंड साइड मिल गया, हो गया प्रूफ, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत। ये नेक्स्ट वाला था, कर लो नोट। देखो जब हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था तो मैंने कहा था कि इस चैप्टर की लगभग सारी प्रॉब्लम इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगी, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है वो मैं बता रहा हूँ। तो 8.2 में एक क्वेश्चन अगर मैं करता हूँ तो सिमिलर क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों सिमिलर है, मैं आपको कोफिशिएंट निकालना है, पूरा एक्सपेंशन नहीं करना, तो सेकंड मैं कर रहा हूँ तो फर्स्ट आप करोगे, बात समझ में आ रही है। तो देखो कहते जैसे ये कह रहा है कि a माइनस 2b की पावर है 12 और इसमें हमें पता करना है कोफिशिएंट ऑफ a5
B7 क्या होगा, ये क्वेश्चन है हमारा। तो हमें पूरा एक्सपेंड नहीं करना है इसको, कि पूरा एक्सपेंड करेंगे तो कितनी टर्म्स आएगी 13, क्योंकि पावर 12 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी 13। फिर उन 13 टर्म्स निकाल के ये नहीं देखना है A5 B7 के मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, ऐसा नहीं करना है। आप इस फॉर्मूले का यूज करके डायरेक्ट A5 B7 का कोफिशिएंट बताओगे, मतलब डायरेक्ट वो टर्म निकालोगे जहां आपको A5 B7 मिलेगा, और उसके मल्टीप्लाई में जो कुछ भी होगा वो उसका क्या होगा, कोफिशिएंट। कोई दिक्कत बात समझ में आ रही है? तो मैं कैसे कर रहा हूँ, देखो मेरा तरीका वही रहेगा हमेशा, मैं क्या करूंगा क्वेश्चन को कंपेयर करूंगा इससे। कंपेयर करने में बताओ एक्स क्या है, एक्स क्या है हमारे पास ए, और ए क्या है -2b। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ प्लस और यहाँ पे माइनस कर सकता हूँ ना? तो देखो आप कंपेयर करो, प्लस की जगह तो प्लस है, तो ए की जगह क्या हुआ माइनस ऑफ 2b। ओके एन कितना है 12। अच्छा एन 12 है तो आर क्या होगा, आर होगा 0, 1, 2, 3, 4 up to 12। लेकिन मुझे पूरा एक्सपेंड नहीं करना है, तो आर की सारी वैल्यू लेने का कोई फायदा नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूं, तो मैं आर को लिख रहा हूं आर, क्योंकि नहीं पता मुझे आर क्या है। तो मेरा सवाल ये थोड़ी है कि एक्सपेंड करो, मैंने मुझे पूछा है कि कोफिशिएंट निकालो, और मुझे ये भी नहीं पता कि कौन सी टर्म में ये चीज आएगी। अगर ये भी पता हो कि भाई पांचवी टर्म सपोज की ये है जिसमें इसका कोफिशिएंट मिलेगा, तो मैं आपकी जगह क्या रखता 6। ये बताया था ना कि जो टर्म निकालने आपकी वैल्यू से कम एक टर्म रखती है, क्योंकि पहली टर्म में आर क्या होता है, पहली टर्म निकालने के लिए आर क्या रखते हो 0, दूसरी के लिए, तीसरी के लिए, चौथी के लिए 3, तो पांचवी के लिए उसे एक टर्म। बात समझ में आ रही है? लेकिन मुझे ये भी तो नहीं पता कि ये टर्म हमें कहां मिलेगी जहां पे हमें A5 और B7 का कोएफिशिएंट मिलेगा, मैं नहीं पता। तो मैं आर की वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकता फिलहाल। बात समझ में आ रही है? अब वो क्या करेंगे, जितनी वैल्यू मेरे पास है वो सारी सॉल्यूम फॉर्मूले में रखो, ये हो जाएगा 12 c r a की पावर 12 माइनस r और माइनस 2 b की पावर r। कोई दिक्कत? बात समझ में आई? अच्छा अब आप क्या करो, आप इनको देखो, हमें क्या चाहिए, a की पावर 5 चाहिए और b की पावर 7 चाहिए। लेकिन यार देखो b की पावर कितनी है, कितनी है r, और a की पावर कितनी है 12 माइनस r। तो आप कंपेयर करके देखो कि a5 और b7 कब बनेगा, जब मैं r की जगह क्या पुट करूंगा 7। सोचो ना, अगर मैं r की जगह 7 पुट करता हूं तो b की पावर कितना हो जाएगा 7 और a की पावर कितना हो जाएगा 12 माइनस 7 कितना हुआ 5। बात समझ में आ रही है, आ रही है नहीं आ रही है? तो हमें क्या करना है, फॉर कोएफिशिएंट ऑफ a5 b7 वी हैव टू पुट r इक्वल टू 7। कोई दिक्कत? ये वैल्यू बाहर मैंने कैसे लिखा निकाली, ये समझ में आई बात? देखो ये हो गया 12 c 7 a की पावर 12 माइनस 7 माइनस 2 b की पावर 7। कोई दिक्कत? 12 c 7 आप लोग बाद में सोल्व करना कितना आता है, a की पावर 5 माइनस 2 की पावर भी 7 और b की पावर भी 7, क्योंकि ये जो पावर 7 थी वो माइनस 2 के ऊपर भी और b के ऊपर भी। कोई दिक्कत? तो देखो a5 और b7 को अगर मैं साथ में लिखूं तो उससे मल्टीप्लाई क्या क्या हो रहा है, एक तो हो रहा है 12 c 7 और फिर माइनस 2 की पावर 7। ये मल्टीप्लाई में है कि नहीं है? प्रश्न ने पूछा a5 b7 का कोफिशिएंट क्या हुआ, जो उससे मल्टीप्लाई में है वो सारा इसका क्या है, कोफिशिएंट। आई बात समझ में? तो आप इसको सोल्व करोगे तो कोफिशिएंट ऑफ a5 b7 is 12 c 7 minus 2 की पावर 7। इसको सिंपलीफाई करना आता है, 12 c 7 कितना होता है, फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 12 माइनस 7 और माइनस 2 की पावर 7 है। ओके तो ये 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू
9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 12 को मैंने ओपन किया कब तक, फैक्टोरियल 7 तक, ताकि नीचे फैक्टोरियल 7 है ही वो कट जाए, और फिर मल्टीप्लाई में क्या है 12 माइनस 7 जो कि कितना होता है 5, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कट गया, और ये पूरा रिजल्ट किससे मल्टीप्लाई होगा फिर माइनस 2 की पावर 7 से। ओके फैक्टोरियल 5 कितना होता है, फैक्टोरियल 5 होता है 120, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ठीक, और माइनस 2 की पावर 7 है, तो 120 और ये देखो 12 इंटू 10 120 कर दे तो बचा गया, तो 11 इंटू 9 इंटू 8 इंटू माइनस 2 की पावर 7 जो सॉल्व करने का आएगा वो हमारा दिक्कत इजी है। तो आपको एक फॉर्मूला जो है वो पूरे चैप्टर में इस तरह से यूज करना है, कोफिशिएंट निकालना है तो ऐसे निकालो, तो दिक्कत है तो बोल दोगे तो नोट करोगे, सेकंड मैंने कर लिया फर्स्ट आप करोगे ठीक है, ऐसे थर्ड और फोर्थ, थर्ड और फोर्थ में, फोर्थ में कर रहा हूँ थर्ड आपको करना है ठीक है, दोनों में जनरल टर्म पूछा इसने, मतलब फोर्थ क्वेश्चन देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स की पावर है 12 और ये कह रहा है एक्स जीरो नहीं है, ये इसने बताया, क्योंकि एक्स जीरो हो जाएगा ना तो ये दोनों चीजें जीरो हो जाएगी, तो फिर कुछ बचेगा ही, इसने कहा एक्स जीरो नहीं, तो ये कह रहा है कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स की पावर 12 है तो बताओ, बताओ इसकी जनरल टर्म क्या होगी, मतलब एक ऐसी टर्म बताओ जिसमें आर की जगह जीरो रखेंगे तो फर्स्ट टर्म आएगी, वन रखेंगे तो सेकेंड टर्म आएगी, तो एक जनरल टर्म बताना, तो यही तो है जनरल टर्म का फॉर्मूला, बात समझ में आ रही है, जिसको हमने क्या बोला था मास्टर फॉर्मूला, कोई दिक्कत, तो हम क्या करेंगे अगेन, क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूं, नीचे प्लस चाहिए होता है तो प्लस ऐसे लेके आगे कोई दिक्कत, प्लस इनको माइनस वापस क्या हो जाएगा माइनस, ओके अब कंपेयर करो इसको एक्स प्लस ए की पावर एन से, तो मतलब एक्स कितना x स्क्वायर, a कितना माइनस वाई एक्स, n कितना 12 और r की जगह होगा क्या 0 1 2 3, लेकिन हमें जनरल टर्म चाहिए तो r की जगह क्या रखेंगे r ही रखेंगे, और r की वैल्यू क्या होगी वो मैं यहां लिख देता हूं, वेयर r होगा 0 1 2 3 अप टू, कोई दिक्कत कोई दिक्कत कोई दिक्कत, चलो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, n है हमारा 12, c r की जगह मैंने r ही रखा है ठीक है, x कितना है x स्क्वायर की पावर 12 माइनस r n माइनस r, और a है हमारे पास माइनस ऑफ y x की पावर r, ये आ गई हमारी जनरल टर्म, इस टर्म में अगर r की जगह 0 रखोगे तो आपको कौन सी टर्म मिलेगी फर्स्ट टर्म, आर की जगह वन रखोगे तो सेकंड टर्म ठीक है, ये जनरल, अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर सकते हो तो करो, तो सिंपलीफाई करने के लिए देखो क्या कर रहा हूं मैं, पावर से पावर क्या होती है मल्टीप्लाई होती है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा है ना, ये कितना हो जाएगा 24 माइनस, और ये जो पावर आर है ये माइनस वन के ऊपर भी है, वाई के ऊपर भी है और एक्स के ऊपर भी है, बात समझ में आ रही है, यहाँ देखो माइनस वन मल्टीप्लाई में है कि नहीं है, तो ये पावर आर माइनस वन के ऊपर भी है, वाई के ऊपर भी है और एक्स के ऊपर भी है, ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि देखो एक्स और इधर भी एक्स बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, होगी नहीं होगी, तो इसलिए इसको थोड़ा सा अलग अलग कर लिया मैंने, ये देखो 24 माइनस 2 आर में एक आर और ऐड होगा, क्योंकि बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है ऐड होती है, मतलब बेस मल्टीप्लाई में हो, और अगर एक बेस डिवाइड में होते तो पावर सेपरेट होगी, फिर माइनस वन की पावर आर वाई की पावर आर, जी कितना होगा 12 सी आर एक्स की पावर माइनस टू आर प्लस आर, कितना होता है माइनस का आर माइनस वन की पावर आर और वाई की पावर आर, और फिर रिटर्न ऑफ वेयर आर इज इक्वल टू 0 1 2 अप टू 12, ये आई इसकी जनरल टर्म, कोई दिक्कत आई बात समझ में, नोट करो ये
तो देखो क्वेश्चन नंबर फोर हो गया, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ और क्वेश्चन नंबर सिक्स ये दोनों अगेन सेम है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आपको फोर्थ टर्म निकालनी है और सिक्स में आपको थर्टीन टर्म निकालनी है, तो कौन सा करें, सिक्सटी करें? आप दोनों ऑप्शन देखोगे तो आप सिक्सटी बोलोगे, थोड़ा टफ दिख रहे हैं, तो सिक्स मैं करता हूँ फिफ्थ आपको, ठीक है। हाँ भाई तो दिया हुआ है नाइन एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय थ्री अंडररूट एक्स की पावर एटीन, और अगेन इसने कहा एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, बताओ इसकी थर्टीन का टर्म क्या होगी। देखो इसने एक्स नॉट इक्वल टू जीरो क्यों कहा, क्योंकि एक्स जीरो होते ही ये टर्म डिफाइन ही नहीं होगी, फिर तो समथिंग अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड, बात समझ आ रही है। तो इसने स्पेशल कंडीशन बता दी एक्स की कि एक्स जीरो नहीं, एक्स कुछ भी हो सकता है जीरो नहीं, क्यों बातें कर रहा है। हाँ तो इतना ध्यान दें, क्या करेंगे वापस, तो क्या करेंगे आप कुछ भी बोलो, एक्स प्लस ए की पावर एन से कंपेयर करेंगे तो एक्स कितना, एक्स कितना नाइन एक्स, ए कितना है माइनस का वन अपॉन थ्री अंडर रूट एक्स, एन कितना है एटीन, मिसाल बता आर कितना होगा, आर कितना होगा, मुझे थर्टीन से जब निकालनी है तो आर कितना होगा, मतलब जो भी टर्म निकालनी है आर की वैल्यू से माइनस करके रखनी पड़ेगी। आई बात समझ में, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पता है पहली टर्म में आर क्या होता है जीरो होता है, नहीं होता तो दूसरी टर्म के लिए आर वन होगा, तो थर्टीन टर्म के लिए आर ट्वेल्व होगा, कोई दिक्कत, थैंक यू। ये रहा फॉर्मूला रखो इधर, अठारह सी ट्वेल्व एक्स नाइन एक्स की पावर एटीन माइनस ट्वेल्व माइनस वन बाई थ्री रूट एक्स की पावर ट्वेल्व, कोई दिक्कत, अब सिंप्लीफाई करना आपको आता है या मैं करूँ, एक मिनट रुको, देखो अठारह सी ट्वेल्व नाइन एक्स की पावर अठारह माइनस ट्वेल्व, अरे अठारह में से बारह गए कितने, माइनस वन की पावर भी ट्वेल्व है, इधर थ्री की पावर भी ट्वेल्व है और इधर रूट एक्स की पावर भी ट्वेल्व है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या हुआ, अठारह सी ट्वेल्व में तो कोई दिक्कत नहीं है, नाइन क्या होता है थ्री का स्क्वायर, नाइन होता है थ्री का स्क्वायर और ऊपर पावर कितनी है सिक्स, और एक्स की पावर भी कितनी है सिक्स, माइनस वन की पावर कितनी है ट्वेल्व, और नीचे थ्री की पावर कितनी है ट्वेल्व, रूट एक्स का मतलब क्या होता है एक्स की पावर हाफ और ऊपर कितनी है ट्वेल्व, तो ये देखो पावर से पावर क्या होती है मल्टीप्लाई, तो ये कितना हुआ थ्री की पावर, थ्री की पावर अरे ट्वेल्व, एक्स की पावर सिक्स माइनस वन की पावर ट्वेल्व, नीचे थ्री की पावर ये भी मल्टीप्लाई होगी तो एक्स की पावर सिक्स, एक्स सिक्स एक्स सिक्स थ्री ट्वेल्व, थ्री ट्वेल्व माइनस वन की पावर इवन प्लस वन होता है और माइनस वन की पावर ओड माइनस वन होता है, तो ये ट्वेल्व इवन है ओड है, इवन है तो ये हो गया प्लस का वन, तो बचा गया अठारह सी बारह, अब अठारह सी बारह जो है उसको आप सोल्व करोगे कुछ जो आएगा वो यहाँ, समझ में आई बात। तो इस बाइनोमियल की जो थर्टीन टर्म है वो क्या होगी एटीन सी ट्वेल्व को सोल्व करने में जो वैल्यू आएगी, दिक्कत इसमें जो वेरिएबल है एक्स वो होगा ही नहीं विदाउट एक्स, विदाउट वेरिएबल वाली टर्म, ठीक है कोई दिक्कत।